अस्सलाम वालेकुम। आज तो माँ जी ने देख भर के चावल ही पका दिए। तो यहाँ पे माँ जी तैयारी कर रही हैं चावल पकाने की, और यहाँ पे सारा लहसुन और प्याज जो है वो छीला जा रहा है। तो चावल सारे साफ करके रख दिए हैं परात में। भाई भाभी ले आए थे किसी नानों के घर से, और यहाँ पे चना पुलाव बन रहा है, उसके लिए मम्मा ने चने गला के रख दिए थे। बहुत ज्यादा रोने के बाद यहाँ पे प्याज सारा कट चुका है, आगे हाथों माँ जी ने लहसुन भी सारा काट दिया है। यहाँ पे लहसुन और खुश धनिया पीस लिया है, टमाटर को छोटा छोटा काट लिया है। अब बारी आती है इन चावलों को धोने की। इन चावलों को धो के सारा घुन इसमें से निकाल दिया है, सारी रेत मिट्टी जो भी था वो गंद निकाल दिया है। माँ जी ने एक प्लेट में नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और अदरक पाउडर डाल के रख दिया। इसके अलावा जीरा, खड़े मसाले डाल के प्लेट में रख दिए हैं। माँ जी ने देग में ऑयल डाल दिया है, उसके बाद अंगीठी को जला के मेरे हवाले कर दिया है। हल्का सा ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है कटी हुई प्याज। प्याज को गोल्डन करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और धनिया पाउडर। लहसुन डालने के बाद हमने इसमें डाल दिया कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर को गलाने के बाद हमने इसमें डाल दिए हैं कुछ मसाले जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। मसाले डालने के बाद माँ जी ने इसमें डाल दिए सारे चने। चने डालने के बाद माँ जी ने ये सारी खड़े मसाले वाली प्लेट इसमें डाल दी। चने भुनने के बाद माँ जी ने इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया। जब पानी में बॉयल आ गया तो फिर सारे चावल भी डाल दिए, और आखिर पे दम लगा के इनको तैयार कर लिया। तो ये है हमारी नियाज़े हुसैन की फाइनल लुक। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर करें। तो यहाँ पे बाबा जो है वो खत्म पढ़ रहे हैं, और आखिर पे भाई जो है वो नियाज़ तकसीम कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा है तो फॉलो कर लो।